नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के कट ऑफ के बारे में, जो आपका भी हाल ही में एग्जाम हुआ, आज ख़त्म हुआ है, कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर पर आप सेफ हैं, या कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने नंबर पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। कट ऑफ बताने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें इससे संबंधित। चलिए शुरू करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार का लेवल था और पेपर किस टाइप का है। सबसे पहले देखते हैं पैटर्न क्या था पेपर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट थे, यहाँ पर पहला पार्ट आपका था जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए थे 50 मार्क्स के लिए। वहीं पार्ट टू था आपका जनरल नॉलेज यानी कि GS, 50 क्वेश्चन 100 अंक। और पार्ट थ्री जो था आपका यानी कि 50 क्वेश्चन साइंस और अर्थमेटिक मैथ यानी 50 क्वेश्चन और अंक आपके 100। और वहीं पार्ट फोर में आपके लिए था जनरल हिंदी, 25 क्वेश्चन और 50 अंक। कुल मिलाकर जो आपका एग्जाम था वो था आपका 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, और यहाँ आपको मिले थे 2 घंटे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रही थी। अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार का आया हुआ था। ठीक है, देखो कई दो जो दोनों दिन पेपर हुए दोनों शिफ्टों में, यानी कहें कि पेपर को हम ईजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के ईजी थे, लेकिन पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट कह सकते हैं। तो कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है, और वैसे भी जो बच्चे थे, वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी है और उसके अपेक्षा बच्चे बहुत ज़्यादा आते, लेकिन बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अब्सेंट रहे हैं, लगभग लगभग 40% के आसपास अब्सेंट रहे हैं, 40 से 30 के आसपास में। तो जो कट ऑफ है वो कितनी कट ऑफ पर आप सेव रह सकते हैं। तो वही बात करें GS की बात करें, तो GS में जो है किसी शिफ्ट में करंट को बहुत ज़्यादा पूछा गया, किसी में पूछा ही नहीं गया कह सकते। एक दो क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल के जो GS के क्वेश्चन थे करंट के, वो पूछे गए। रीजनिंग नॉर्मल थी, ठीक है, मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो कह सकते हैं जो क्वेश्चन जिससे हम बात की, तो कई साहब हर लोग ये बात बोल रहे हैं कि 120 प्लस करके हैं, 120 प्लस उनके गए हैं। तो कितने अंकों पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कितनी कट ऑफ रह सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपने 100 से 105 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही किए हैं काट कूट करके सब कुछ, तो आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस के लिए हो सकता है, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यानी कि 100 से 105 नंबर पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यानी कि 100 से 105 ये क्वेश्चन है, अगर इतने क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। भाई अगर हम बात करें OBC में, तो OBC और जनरल में यूपी के किसी भी एग्जाम में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। तो अगर OBC में अगर आपने 98 से लेकर के 103 के बीच में अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और सही क्वेश्चन है, तो आप भी मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ये आप 24 घंटे बाद आप आंसर किए आने के बाद आप पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, और भाई अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC में अगर आपके 85 से 90 के बीच में हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, अगर आपके इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट आपने किए हैं। अटैम्प्ट मतलब है कि आपके राइट क्वेश्चन है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ST की, तो ST में 75 से लेकर के 82 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन ठीक है, ST कट ऑफ जो होती है और कम चली जाती है। तो अगर इतने क्वेश्चन आपने सही अटैम्प्ट किए हैं, तो आप भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। भाई अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो 90 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन हैं, तो आप भी अपने आप को मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, इतने नंबर पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर वहीं हम देखें तो ये जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि 5 नंबर या तो ज़्यादा हो सकता है या 5 नंबर नीचे आ सकता है, तो कट ऑफ जो होगी इसी के अकॉर्डिंग है, इसके आसपास रहेगी। तो अगर इतने अंक आपके हैं, तो आप अपने आप को मेंस के लिए क्वालिफाई समझ सकते हो। मेंस के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि सेम सिलेबस से थोड़ा सा अंतर है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी वीडियोज से संबंधित मिल सके। धन्यवाद।